आप देख रहे BK9 न्यूज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पत्रकार राजीव किसे। अपन आए भालकी तालुका बीदर जिला। आज अपन भालकी तालुका आड़वाई ग्राम में स्कूल शाले का नजराना देखेंगे। सर, ये स्कूल का किस तरीके से खराब हुए और ये कब का बिल्डिंग बना है? और ये जो स्कूल है इसमें 5 रूम है, वो भी टूटा फूटा रूम है, और 7वीं क्लास तक स्कूल है जी। यहाँ बच्चे कैसा पढ़ते और यहाँ के हेडमास्टर कैसा चलाते? BO CDPO डिपार्टमेंट जो भी, ये जो फंड था स्कूल का, जब से बिल्डिंग बनी उसको डोर नहीं है, उसको सीढ़ी के लिए नहीं है, ऊपर जो है पूरा खुला है, आदमी जाना या कोई और बैठक होना हो उस जगह आम बात हो गई। सर, ये स्कूल है, विद्या मंदिर है, ये विद्या मंदिर का बहुत खराब मंदिर बनाया लोगों ने। ये BO साहब, HM, इनके ऊपर एक्शन होना, शाला सुधारक, शाला सुधारना, ये ग्रामवासी का कहना है। थोड़ा ऊपर का नजराना दिखाएंगे आपको। इसमें बहुत बिल्डिंग का काम, बहुत लागत थी, मगर उसको कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ना कोई पेंट है, साधारण पेंट हुआ, और उसके अंदर आपको खुद देखो कैमरे में क्या है, गिरने के लायक है, सब ये गिरेगा जी बच्चे के ऊपर। ये देखो पूरा हाथ से गिर रही है, बहुत खराब है। इसके अंदर बच्चे कैसे बैठेंगे? ये हमारे शाला सुधारक समिति के माजी अध्यक्ष बताएंगे। सर बोलिए, कैसा हालत है? आपने कहां कहां तक बताए? नमस्ते सर, मैं 7 साल से इस स्कूल का SDFC अध्यक्ष था सर। मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूं, पंचायत आर्ज दे चुका हूं सर। मैं बहुत कोशिश करो, इसके आगे मेरे से नहीं होता सर। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इधर डिपार्टमेंट कुछ भी काम का नहीं है सर। चलो जी, ये गांव BO साहब को मालूम है या नहीं है, ये ग्रामवासी का कहना है। पीछे टॉयलेट का नजराना दिखाएंगे जी आपको। ये पीछे टॉयलेट, आप देख रहे हैं BK9 न्यूज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पत्रकार राजीव किसे। अपन आए भालकी तालुका आड़वाई ग्राम। आड़वाई ग्राम में जो स्कूल है इसका पूरा खराब हो चुका है व्यवस्था। ये करीबन 1950 का है स्कूल, इसमें बैठने के लिए बच्चों को जगह नहीं है। यहाँ आड़वाई में 5 रूम है, 5, और 7वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते। ये मास्टर कैसा पढ़ाते ये 5 रूम में 7वीं क्लास तक के बच्चे को, ये थोड़ा अपन जानेंगे। और यहाँ का मैं नजराना दिखाता हूँ स्कूल का। यहाँ कुत्ते बैठते, उसके बाद सुबह बच्चे बैठते। ये देखो जी स्कूल का नजराना। ये देखो स्कूल, ये कोई डोर नहीं है, यहाँ पर बैठने के लिए बेंच नहीं है, ये ओपन डोर, ये देख लो डोर का सब व्यवस्था। ये बहुत बुरा हालत खराब है जी हमारे गांव के। पूरा यहाँ लोग आए और यहाँ का हाल जानेंगे अपन। ये देखो डोर, ये आड़वाई ग्राम। ये BO साहब को मालूम है या नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा जी। बहुत बिकट अवस्था है, यहाँ बेंच भी नहीं है कोई बैठने के लिए। ये देखो ये हालत है जी। बच्चे कैसे बैठेंगे इसके अंदर, ये आप BO साहब को मालूम। आड़वाई स्कूल का नजराना एक कैमरे में देखेंगे अपन। ये जब से बिल्डिंग हुई तब से ये हालत है। ये देखो सिगरेट, बीड़ी, ये बिल्डिंग का नजराना। इसको कोई व्यवस्था नहीं है, BO डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं है। ये कैमरे में दिखाएंगे आप, ये ले लो सर कैमरे में। संजू सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर, इसके वास्ते मैं भी अर्ज दे चुका हूँ सर। इसके ऊपर एक्शन HM सर ने लिया सर। कितना लागत था सर इस रूम का? कितना? मेरे हिसाब से 13 लाख के नजदीक था सर। तब से इसको कुछ नहीं हुआ या ऐसा पड़ा है? 2013 का लगभग ये बिल्डिंग है सर। मैं इसके ऊपर एक्शन लिया तो माने नहीं सर कोई भी। सर जी 5 रूम है, 5 रूम के अंदर ये 7वीं क्लास तक ये कैसे पढ़ाते लोग, आप थोड़ा क्या कहेंगे इसके बारे में? बोला ये SDFC अध्यक्ष भी बघत नाहीत, मुख्याध्यापक बघत नाहीत, इथं दारू पीत आहे, सिगरेट वळणं,
जागा सगड़ी घान होना, गुटके खाना, तंबाकू खाना। सर जी पांच रूम है, पांच पांच रूम में सातवीं कक्षा तक कैसे पढ़ाते हेडमास्टर साहब आड़वाई के? उन्हों अच्छा नहीं पढ़ाते, पढ़ाते नहीं, ऑफिस में बैठते, बच्चे बाहर गए तो भी कुछ नहीं बोलते, बराबर नहीं है। सात दिन में दो दिन ड्यूटी करते साहब इधर आके, एचएम सर सात दिन में दो दिन ड्यूटी करते और खेत में जाके काम करते। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जी, और ग्रामवासियों को न्याय मिलना चाहिए। अपने बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजते मगर यहाँ व्यवस्था नहीं है, बच्चे पढ़ना बहुत कठिन रहता है। ये देखो ये जगह पूरा गीली हो चुकी है, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है, देखो पूरा गंदगी मचा रखी है यहाँ।